पूरे देश भर में श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया गया और पूरे महाराष्ट्र में जमकर दही हंडी का त्यौहार भी मनाया गया। जी भरकर मजे करने के बाद अब गोविंदाओं को सजा भुगतनी पड़ रही है। जी हाँ, कई गोविंदा बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सरकारी और महानगर पालिका हॉस्पिटलों में कुल 153 गोविंदा भर्ती किए गए थे, उनमें से 130 गोविंदा को जरूरी जांच के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वहीं बचे हुए 23 की स्थिति में अब सुधार है। ऐसे में सबसे ज्यादा गोविंदा केम हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे, उनमें से 2 गोविंदा अभी भी केम हॉस्पिटल में है और उनकी भी स्थिति स्थिर है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इन दोनों की बात करें तो उनका नाम गौरव वरगोड़े, उम्र 22 साल बताई जा रही है, तो वहीं दूसरे गोविंदा का नाम करण सावंत बताया जा रहा है जिनकी उम्र 24 साल है। मेट्रो मुंबई की टीम ने खुद जाकर जख्मी गोविंदाओं से मिलकर उनका हाल जाना। फिलहाल उन दोनों की स्थिति अब सामान्य है और उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और गोविंदा मंडल भी उनको पूरा सहयोग दे रहा है। मुंबई के कुल सरकारी हॉस्पिटल और मनपा हॉस्पिटल की कल की स्थिति कुछ इस तरह की रही कि जे हॉस्पिटल में 3, बॉम्बे हॉस्पिटल में 1, नानावती हॉस्पिटल में 1, नायर हॉस्पिटल में 12 और केम हॉस्पिटल में 40, इस तरह हॉस्पिटलों की स्थिति है। कुल इतनी संख्या में गोविंदाओं को भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। मेट्रो मुंबई से बात करते हुए जख्मी गोविंदा करण सावंत की मां ने बताया कि फिलहाल हॉस्पिटल और मंडल से उनको सहकार्य मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में नौकरी की तलाश की चिंता बनी हुई है। तभी जरा वो बेशिस था, वो बाद में उसको ऑक्सीजन डिस्पेंसर सब लगा के डॉक्टर ने सब उसको अच्छा ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर सब अच्छे थे, हमारे पत्थर वाले भी अच्छे थे, उन लोग ने बहुत सहायता की मेरे को। जो मंडल वाले सपोर्ट किया मेरे को। के मैं भी यही मांग सकती हूँ कि मेरे लड़के को अभी जॉब भी नहीं है, अभी लॉकडाउन के पास पूरा मेरा तो ये हो गया है, नहीं तो थोड़ा बहुत मेरे को जरा सपोर्ट करेंगे तो बहुत मेरे लिए अच्छा होएगा। बस मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता सुरेंद्र जोटिंगे की रिपोर्ट।